निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐलान के अनुसार 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होगा। इसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। आपको बता दें, सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि यहां से भाजपा के सीनियर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक थे, हालांकि लोकसभा चुनाव में वो सांसद चुने गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। ऐसे में अब यहां उपचुनाव होना है। कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से चार नामों पर चर्चा सबसे तेज देखी जा रही है। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी का चेहरा कोई भी हो, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं और दक्षिण विधानसभा रायपुर दक्षिण। चुनाव आयोग ने आज डेट अनाउंस कर दिया है, 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 18 से 25 तारीख तक नॉमिनेशन है। तो निश्चित रूप से बधाई, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और उपचुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसके लिए नेता कार्यकर्ता पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। कब तक कैंडिडेट का बनाऊं? कैंडिडेट हमारे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो मजबूत हो। हम निर्वाचन आयोग का स्वागत करते हैं और हमारे दक्षिण विधानसभा रायपुर के नामांकन तिथि, मतदान तिथि और परिणाम का समय सारणी घोषित कर दिए हैं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे हितग्राहियों को सीधा मिल रहा है और इस दक्षिण विधानसभा सीट माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल की थी और आने वाला भी उपचुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।